सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांज भसीन। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसा शेयर, एक मल्टीबैगर स्टॉक जो आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। और अभी भी अगर हम बात करें तो ज्यादातर इसके बारे में लोग नहीं जानते होंगे। अगर इसने किसी ने मेरे व्यूअर्स ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूं, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस शेयर को बाय करके चलिए। और उसी दिन और उससे अगले दिन भी इसने 5-5% का अपर सर्किट लगाया। तो आप ये मत सोचिए कि ये कोई ऐसी कंपनी है जो 5% का अपर सर्किट लगा रही है तो हम बाय नहीं कर पाएंगे। ये शुरुआत में बहुत कमजोर दिखाती है, पर 1% या 2% ऊपर ही जाती है, उसके बाद आखिरी के टाइम में हम इसमें देखते हैं कि 5% का अपर सर्किट लग चुका होता है। तो ये एक आने वाला मल्टीबैगर स्टॉक है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और अगर अभी तक आपने स्टॉक को बाय नहीं करा तो जरूर बाय कर लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स जरूर देकर जाएगा, और एनालिस्ट भी इसमें बहुत बुलिश है। तो मैं कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका था इसको बाय करके चलिए। मैंने अपने इंट्राडे के जो आपको टिप्स देता हूँ उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस शेयर को आज बाय करके चलना, और उसी दिन इसने 6% का अपर सर्किट लगाया और अगले दिन भी उसने 5% का अपर सर्किट लगाया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक ऐसा शेयर है जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि कब इसमें एक करेक्शन आए, कब इसमें एक ब्रेक डाउन आए तो मैं इसमें और खरीदारी करूं, पर ये ऊपर के सर्किट लगाए जा रहा है कि इसमें मैं अपनी खरीदारी नहीं कर पा रहा हूं। तो देखिए, एक ऐसा शेयर जिसमें लोग सोच रहे हैं कि कब वो एक करेक्शन में आए और हम उसमें और बाय कर सकें। तो ये अगर इस कंपनी के बारे में हम बताना चाहें तो मैं आपको उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो आप सब जानते हैं कि जो ऑटो सेक्टर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो उनकी अर्निंग्स आ रही हैं, जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। अगर हम ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनीज की बात करें, M&M की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, तो ये सारी कंपनीज है जिनकी अर्निंग्स और क्वार्टर बाय क्वार्टर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और ग्रोथ इनकी एक्सपेक्ट करी जा रही है कि आने वाले 2 साल के अंदर डबल हो सकती है। तो अगर ऑटो सेक्टर्स के ग्रोथ डबल हो सकती है तो ऑटो सेक्टर्स के अंदर जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज होती है उनकी ग्रोथ क्यों नहीं डबल हो सकती? तो वो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जमुना ऑटो, जिसे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये एक ऑटोमोटिव पार्ट बनाने वाली मल्टीनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेड क्वार्टर यमुना नगर में है। तो इसके अगर हम आपको खास बात बताएं तो इसकी खास बात यह है कि एक सिंगल टाइप का पार्ट प्रोड्यूस करती है, जो एशिया में लार्जेस्ट ऑटोमोटिव पार्ट प्रोड्यूसर है ये कंपनी। स्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करती है बहुत टाइप्स की, अगर हम बात करें तो टेपर्ड लीव्स, पैराबोलिक स्प्रिंग और मल्टी लीव स्प्रिंग्स भी ये प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कंपनी और मैन्युफैक्चरर भी है एक स्प्रिंग की। तो आप सब जानते हैं कि अगर ऑटो सेक्टर्स बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, अगर आप, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता भी रखा है कि अशोक लेलैंड को ज़रूर बाय करके चलिए, वो भी मल्टीबैगर स्टॉक बच चुका है पर तब भी उसमें और अपसाइड्स बाकी हैं, तो वो परफॉर्म करेगा तो साइड बाय साइड हम ऑटो एंसिलरीज कंपनीज के भी फोकस ज़रूर करेंगे। और ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छी है, और जैसे कि आप सब जानते हैं, बॉश को जानते हो कि बॉश भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। तो हमने देखा होगा कि बॉश हल्के हल्के कर करके अच्छे लेवल्स में पहुंच चुकी है, तो वही ऐसा काम ये जमुना ऑटो भी कर सकती है। और बड़े से बड़े एनालिस्ट भी न्यूज़ चैनल्स में और अपने एडवर्टाइजमेंट में बता चुके हैं कि ये आने वाला नया बॉश बन सकता है और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। पीई रेशियो की बात करें तो 27.20 का पीई रेशियो है। इंडस्ट्री की पीई की बात करें तो 57 का इसका इंडस्ट्री का पीई रेशियो है। पर अगर हम आपको बताएं तो पीई रेशियो आपको इसमें ज़्यादा लग रहा होगा, पर जैसे जैसे इस कंपनी को ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे जैसे करके इस कंपनी को प्रॉफिट्स अचीव हो रहे हैं, जैसे जैसे इस कंपनी को बहुत से रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अभी इस कंपनी का रिजल्ट आया भी है तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और इस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इस कंपनी में बाय कर रहे हैं और इस कंपनी को बहुत से नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो अब ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर रही है,
तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस कंपनी की ग्रोथ पड़ रही है, इसकी पीई रेशियो भी कम होगी, पीबी रेशियो भी कम होगी, और ये कंपनी आने वाला मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। वन ईयर चेंज की बात करें तो 98.69% का ये ईयरली चेंज देती है, यानी कुल मान के चले तो 100% का रिटर्न ये एक साल के अंदर ही दे देती है। स्नैपशॉट की बात करें तो अगर हम नियर टर्म्स की बात करते हैं, तो नियर टर्म में अगर हम देखते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड्स और टेक्निकल्स, टेक्निकल्स भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके कि बहुत अच्छे टेक्निकल ट्रेंड्स हैं। मूविंग एवरेज भी बहुत बुलिश इंडिकेटर शो कर रही है और मेकेट भी बहुत अच्छा सिग्नल शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं आने वाले टाइम में ये 110 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। और आने वाले टाइम की बात मैं कर रहा हूँ कि एक से दो हफ्ते के अंदर ही क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी इस कंपनी की बहुत अच्छी है। हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है, पर जैसे जैसे इस कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं हम कह सकते हैं कि और अच्छी ग्रोथ ये दिखा सकती है। रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ रिटर्न्स देख सकते हैं, एक साल के अंदर ये रिटर्न मैं आपको अभी का नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं फेब्री का दिखा रहा हूँ। वन ईयर रिटर्न इसने जो फेब्री सीरीज में दिया था 88.60% दिया था, पर अब हम कह सकते हैं कि 100% तक रिटर्न एक साल में दे देती है। 10 साल की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं 1100 यानी 1200% का रिटर्न आने वाले 10 साल के अंदर ये दे देती है। वैल्यूएशन वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वैल्यूएशन का स्नैपशॉट दिख रहा होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें अभी भी अपसाइड बाकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बता रहा हूँ जो क्वार्टरली दिसंबर से लेकर अब तक का बता रहा हूँ, जो जनवरी से मार्च में जो भी लोगों ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को इंक्रीज करा, म्यूचुअल फंड्स ने 15 स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 6.77% इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है स्टॉक में। जो FIIs है 34 FIIs ने इसमें 5.7% का स्टेक रखा हुआ है। और अगर हम प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 1.6% प्रोमोटर्स होल्डिंग इसकी प्लेज्ड है। तो प्लेज तो है, बुरी खबर तो इस कंपनी के लिए है, पर हल्के हल्के करके जैसी इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो भी अपने प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लेज शेयर्स को हटा देगी। और अच्छे अच्छे इंडिविजुअल्स लोगों ने भी इसमें 32% का स्टेक अपने पास रखा हुआ है। हाई मीडियम बिटर स्टॉक है, मीडियम बिटर स्टॉक है, इसका मतलब यही हो गया कि अगर मार्केट बढ़ती है तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, और अगर मार्केट गिरती है तो हल्के हल्के गिरता है स्टॉक। फंड्स हाउसेज जिन लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो है L&T म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, DSB ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड, महिंद्रा म्यूचुअल फंड। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली दिसंबर 17 में क्या उनका स्टेक था और मार्च 18 में कितना स्टेक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये चार्ट लेकर आया हूँ जिसमें मैंने इस कंपनी का पीयर चुना है आपके लिए, मदरसन सुमी सिस्टम। तो आप सब इसके बारे में जानते होंगे, मदरसन सुमी बहुत अच्छा स्टॉक ये भी है, पर अब ये बहुत ऊंचे लेवल्स में है जिसमें हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अगर हम इसके चार्ट्स को कंपेयर करें और S&P BSE ऑटो के चार्ट्स को कंपेयर करें और S&P BSE स्मॉल कैप, ये चारों के अगर हम चार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं जो आपको ये रेड लाइन शो कर रही है ये जमुना ऑटो की है, और आप देख सकते हैं ये अपसाइड में अपसाइड ही है। उसके नीचे मदरसन सुमी ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्मॉल कैप का चार्ट दिख रहा होगा और उसके नीचे आपको यहाँ पर S&P BSE ऑटो का दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि BSE ऑटो जो हम S&P BSE ऑटो है वो सबसे नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके मुकाबले हम देख सकते हैं कि जमुना ऑटो का जो चार्ट है बहुत अपसाइड में ट्रेड कर रहा है और अराउंड 100% के चार्ट पैटर्न तक पहुंच सकता है, आप यहां देख सकते हैं। तो ये एक कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम इस कंपनी को बॉश से कंपेयर करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 70.50% स्टेक बॉश के पास है और 47.88% स्टेक जमुना ऑटो के पास है। प्लेज शेयर 1.6% है, पर अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कंपनी का जो हेड है उन्होंने खुद कहा है अपने उसमें कि वो लोग अपना जो प्लेज्ड प्रमोटर्स जो उन्होंने प्लेज शेयर्स कर रखे हैं वो हल्के हल्के करके रिड्यूस कर रही है। और जो FIIs हैं आप यहाँ देख सकते हैं 5.70% FIIs की होल्डिंग है, 6.88% FIIs की बॉश में होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 6.77% जमुना ऑटो में होल्डिंग है और 2.31% बॉश में होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी में बॉश का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 10.63% का। DIIs की बात करें तो 0.33% जमुना ऑटो में होल्डिंग्स है और 0.19%
DIs की। तो ये था एक मल्टी बैगर स्टॉक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मैं आपके लिए एक और वीडियो बना के लेकर आया हूँ जिसमें जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं और $80 पर बैरल तक जा सकती है, तो कौन से कंपनीज है जिन्हें आप अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो वीडियो भी आपको यहाँ पर शो कर रही होगी, तो इस वीडियो को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग।